Hey guys, welcome to today's video and welcome to our YouTube channel, Hope Feeling Good Guys. So, आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा साड़ी हॉल जो कि स्पेशल है दुर्गा पूजा और करवा चौथ के लिए. जितनी भी साड़ीज मैंने सेलेक्ट की है परफेक्ट है दुर्गा पूजा एंड करवा चौथ के लिए. सो फेस्टिव सीरीज तो मैं बहुत पहले अपने चैनल पर शुरू कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. उसमें भी मैंने आपको इंडो वेस्टर्न साड़ीज दिखाई है. सो आप एक बार जरूर चेक करें. सैटरडे की वीडियो टाइम पर नहीं आ पाई क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ. वीक से मैं किसी भी दिन वीडियो अपलोड कर सकती हूँ. नोटिफिकेशन जरूर से हिट कर दे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी. मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं रिप्लाई जरूर करती हूं. सो कमेंट जरूर से करना. जितनी भी साड़ीज मैंने पहनी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके लिए आप चेक करें माय हॉल स्टोर और ज्वेलरीज के लिए आप चेक करें माय ज्वेलरी कलेक्शन. आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सो जितनी भी आपको डिटेल जाननी है लाइक मैंने क्या क्या ज्वेलरी ब्लाउज कहाँ से पहने हैं तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी. तो आप वीडियो को पूरा देखें. अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है आपको कुछ भी लेना है कि मैंने वो कहाँ से लिया है उसके लिए तो फर्स्ट साड़ी ये मेरी रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत कांजीवरम साड़ी है. वोवन डिज़ाइन है और वोवन डिज़ाइन की पूरी बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल रही है जो दोनों तरफ को बॉर्डर है और पूरी ये छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है. पूरी वोवन रेड साड़ी है एंड इसका ब्लाउज का मटेरियल जो साड़ी के साथ लगा हुआ आता है तो इसकी बॉर्डर मिल रही है जिसको आप स्लीव्स पे लगा सकते हैं. ट्रांसपेरेंट है एंड इनर लाइनिंग के साथ आपको स्टिच करानी होगी. सो इतना मटेरियल है जो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ. और साड़ी जो पूरी है वो सेम है लाइक एज इट इज. नीचे ऊपर आपको बॉर्डर मिल रही है ओवन की. पूरी ओवन डिजाइन है एंड एट द एंड आपको बहुत ही खूबसूरत सा पल्ला मिल रहा है जिसको जो मुझे बहुत सुंदर लगा. मटेरियल सिल्क ब्लेंड है जो कि काफी सॉफ्ट मटेरियल नहीं है. अगर आप एक लाइक साड़ी लवर हो तो आप इसे बहुत ईजिली कैरी कर लोगे बट अगर आपको गर्लीज काइंड ऑफ साड़ी चाहिए तो फिर ये थोड़ा क्या कैरी करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. बट साड़ी बहुत ही खूबसूरत है. प्राइस इसके लिए मैंने पे करा है 1400 रुपीज़. तो 1400 रुपीज़ के हिसाब से ये साड़ी मुझे अच्छी लगी. बट इस पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे 2000 एंड 2400. तो अगर आप प्राइस हाई जाओगे तो आपको और भी बेटर क्वालिटी मिलेगी. तो इसके साथ मैंने जो पेयर करा है वो इंडिया ब्रांड की ब्लाउज है. लिंक आपको माई हॉल स्टोर में मिल जाएगी. ज्वेलरी की लिंक आपको माई ज्वेलरी कलेक्शन पर मिल जाएगी. तो एक बार ज़रूर चेक करें. और दुर्गा पूजा करवा चौथ के लिए साड़ी परफेक्ट है. किसी भी ज्वेलरी के साथ आप पेयर करो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी. बहुत सुंदर लग रही है. मुझे बहुत प्यारी लगी. अगर आप न्यूली मैरिड हो तो भी आप पे बहुत अच्छी लगने वाली है. मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको लुक बुक नहीं दिखाया लाइक मैंने सिंपल ज्वेलरी सिंपल नहीं है बट ज्वेलरी पहनकर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है किस तरीके से आप रेडी हो सकते हैं. आप कर्ली हेयर और खुले बालों में भी इसे स्टाइल कर सकते हैं. बहुत सुंदर लगने वाली है. सो मैं इसे रिकमेंड करूँगी अगर आपको करवा चौथ या दुर्गा पूजा में पहनना है तो बहुत सुंदर साड़ी है. बट अगर आपको बेटर वर्जन चाहिए तो आप और भी प्राइस हाई जा सकते हैं. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी माय हॉल स्टोर में. सो आप ज़रूर चेक करें. एंड बेस्ट इसका साड़ी का जो पल्ला है उसका जो शाइन है पल्ले में वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो एंड आई रिकमेंड दिस वन. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑफ वाइट एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन की साड़ी कांजीवरम साड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. स्पेशली मैंने इसे दुर्गा पूजा के लिए सेलेक्ट करा है. एंड यहाँ पे आपको पूरा गोल्डन बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा गोल्डन सा वोवन वर्क मिल रहा है साड़ी पे जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है. और इसकी जो बॉर्डर है वो भी बहुत ही शाइनिंग वाली है. इसका जो पल्ला है वो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा शाइनिंग वाली है. इस साड़ी का मटेरियल है आर्ट सिल्क. ब्लाउज फैब्रिक भी आर्ट सिल्क ही है. इस तरीके से इसकी ब्लाउज फैब्रिक आती है जिसपे छोटी छोटी वोवन वर्क बनी है फ्रंट पे. देन आपको यहाँ पे बड़े बड़े से वोवन डिज़ाइन के बूटियाँ बनी हुई हैं जो आप ब्लाउज अब स्टिच कराओगे तो बहुत सुंदर लगेगी. मैंने इसे गोल्डन ब्लाउज के साथ पहना है तो ये साड़ी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है. और आप सोचो आप रेड के साथ पहनोगे करवा चौथ या फिर दुर्गा पूजा में तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. इसका जो डिज़ाइन मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ किस तरीके से छोटी फिर बड़ी फिर थोड़ी सी बड़ी लीव्स बनी हुई है वोवन डिज़ाइन पे ऑफ वाइट पे गोल्डन जो कि गोल्डन का कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है. एंड इसकी बॉर्डर भी जो है वो भी बहुत शाइनिंग वाली है. बॉर्डर बहुत शाइनिंग वाली है बट जितना ऑफ वाइट पे आपको वर्क दिख रहा है वो थोड़ा सा मैट है. और यहाँ पे आंचल भी आपको बहुत शाइनिंग वाली मिल रही है. टैशल बॉर्डर लगी हुई है तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन का साड़ी है गाइज. मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. जिनको भी कांजीवरम साड़ी पसंद
पसंद है पहनना, बट वो उन्हें संभाल नहीं पाती हैं, बहुत हेवी लगता है। तो ये साड़ी उनके लिए है। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी, आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, बिल्कुल गर्लिश वाली जो होती है ना फीलिंग कि आप आराम से इधर चल सकते हो, थोड़ा बहुत डांस कर सकते हो, तो वो चीज़ है ये साड़ी पे। बिल्कुल भी हेवी नहीं है, हाईली रिकमेंड करूँगी। मैंने इसे लिया है 1800 रुपीज़ में, बट राइट नाउ इसका प्राइस 2200 रुपीज़ है। तो मेक श्योर करें जब भी डिस्काउंट चले आप फटाक से इसे खरीद लें। माई नेक्स्ट साड़ी है दिस कलरफुल मल्टी कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक, वाइट एंड पिंक प्योर जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड बांधनी साड़ी है ये। एंड क्या कॉम्बिनेशन वाली बढ़िया सी साड़ी है ये, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। साड़ी और ब्लाउज फैब्रिक प्योर जॉर्जेट है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा कलर्स आपको मिलेंगे, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड। सो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मटेरियल की थोड़ी सी, आंचल की तो मटेरियल बहुत अच्छी है, बट साड़ी की थोड़ी सी थिन है, बट ऑफकोर्स पेटीकोट के साथ आप मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर से इस पर मोर बना हुआ है, अब कलर्स आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, बेस्ट पार्टी की एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, कोई प्रिंट्स या कुछ भी नहीं है, मिरर वर्क के साथ एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की हुई है, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, तो बहुत ही सुंदर लगे मुझे ये। एंड इसका जो बॉर्डर है वो भी पूरी थ्रेड वर्क से है, तो वो चीज़ इस साड़ी को और हेवी बना रही है, लाइक इतनी खूबसूरत बना रही है। मिरर वर्क से एक बेस्ट पार्ट है कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है जब आप चल रहे हो तो। एंड इसका जो पल्ला है वो पूरा बांधनी वाला है, पिंक ऑरेंज कलर में, तो वो भी बहुत गॉर्जियस लग रहा है, पल्ला भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो ये साड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, इसका ब्लाउज का कपड़ा है, एंड ब्लाउज के कपड़े में आपको पूरी बॉर्डर मिल रही है स्लीव्स के लिए, और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर भी कितना नीट एंड फाइन वर्क के साथ है। सो ट्रांसपेरेंट है साड़ी, बट मटेरियल काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, 1400 उसका प्राइस है। पूरा पिकॉक बना हुआ है, कलरफुल आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत गॉर्जियस है। एंड मुझे लगता है इस पर एक और कलर ऑप्शन भी है, तो वो मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इसका पल्ला भी बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी। इसमें मैंने खूब सारे बैंगल्स पहने हैं कलर्स मिलाकर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वहाँ बैंगल्स पड़े हुए थे, तो मेरा मन बहुत करता है कलरफुल बैंगल्स पहनने का, तो मैंने यहाँ पर डाल लिया है। बेस्ट साड़ी थी इतने सारे कलरफुल बैंगल्स पहनने के लिए, एंड दुर्गा पूजा के लिए ये साड़ी तो 100% आपको लेनी ही चाहिए, ये इतनी ब्यूटीफुल लगेगी। रेड बिंदी लगा लो, पिंक बिंदी लगा लो, बहुत सुंदर लगने वाला है। मैंने इसे सेम ब्लाउज के साथ पेयर करा है, बट जब भी आप स्टिच करा के पहनोगे तो ये और बेटर लगेगी। सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी। माई नेक्स्ट साड़ी इज दिस रेड एंड गोल्ड टोन स्ट्राइप्स लहरिया साड़ी। सो बहुत ही खूबसूरत इंडस की ये साड़ी है, मटेरियल इसका सिल्क ब्लेंड है, ब्लाउज और साड़ी का दूर से ही बहुत ज़्यादा शाइन करी है, इतनी ज़्यादा गॉर्जियस साड़ी है कि दूर से ही आपको बहुत सुंदर लगने वाली है। सो इस पर ये मैंने चोकर पहना है, ये मीशो से है, कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ब्लाउज इंडिया ब्रांड से है, माई हॉल स्टोर में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड इसके साथ आती है ये प्लेन ब्लाउज, जो कि साड़ी को और खूबसूरत बना रही है। इस पर आपको बॉर्डर मिल रही है जो अगेन बहुत शाइनी डुअल फिनिशिंग वाली है। इसका मटेरियल फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आराम से आप फुल स्टिच भी ब्लाउज इस पर बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल रही है साड़ी पे, नीचे को भी ऊपर को भी, ऑल ओवर सेम साड़ी है, सिर्फ इसका पल्ला डिफरेंट है, और जितनी भी साड़ीज है पूरी सेम स्ट्राइप्स बनी हुई है, ये लहरिया प्रिंट जो भी इसे बोलते हैं, तो बहुत सुंदर लग रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड प्रिंट में आपको डुअल फिनिशिंग मिल रही है, लाइक रेड रेड, वो भी बहुत सुंदर है। तो इस साड़ी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, न्यूली मैरिड तो 100% इसे जाके खरीद ही लें, आप पे बहुत सुंदर लगेगी।
करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। एंड यहाँ पे आपको पल्लू जो दिख रहा है वो एकदम कांजीवरम पल्लू है, बहुत सुंदर सा पल्लू दिया हुआ है टैसल के साथ। सो मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इजी टू कैरी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं इसे कैरी करना, आप आराम से इसे कैरी कर सकते हैं, पूरी कांजीवरम फील देगी आपको, बट ये लगेगी बहुत लाइट साड़ी और दुर्गा पूजा के लिए भी परफेक्ट है। मैंने इसे सिंपली यहाँ इस तरीके से आपको दिखाया है, एक जोड़ा करके चोकर लगा के आप जब ब्लाउज स्टीच करा के पहनोगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। तो ये मुझे मिली है 2200 रुपीज़ की। सो अभी भी इसका प्राइस सेम है, अगर बढ़ जाए तो सेल का वेट करें या फिर इसे कम में भी आपको मिल सकती है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। माय नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस रेड सॉलिड साड़ी, हैज अ वोवन डिजाइन बॉर्डर, ब्लाउज पीस के साथ है, साड़ी फैब्रिक प्योर जॉर्जेट है, ब्लाउज फैब्रिक सिल्क ब्लेंड है। सो यहाँ पे आपको पिछले साड़ी से सेम साड़ी सिमिलर लगेगी ये बहुत हद तक, क्योंकि इस पर भी सेम आपको लहरिया प्रिंट्स वाले स्ट्राइप्स वाले बॉर्डर बने हुए हैं, बट उस पर शाइनिंग कुछ और है, इसकी शाइनिंग बहुत ही डिफरेंट है। ये जॉर्जेट में है, इसकी प्राइस 1300 रुपीज़ है, उसकी 2200 रुपीज़ है, तो प्राइस में जितना डिफरेंस है साड़ी में भी उतना डिफरेंस है। ये जॉर्जेट मटेरियल में है, वो सिल्क मटेरियल में है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल वाली साड़ी, एक मुट्ठी वाली साड़ी मिल रही है ना आपको, यहाँ पे फ्रंट से लेके एंड तक सेम ऐसी जो बॉर्डर में प्रिंट है वो फ्रंट से लेके एंड तक है, पल्ला ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम पल्ला आपको मिल रहा है, बट काफी सॉफ्ट और काफी गर्लिश साड़ी मैं ऐसे कहूंगी। बहुत ईजी टू कैरी है, बहुत ही ज्यादा हल्की पुल्की साड़ी है, और इसके साथ ये ब्लाउज आ रही है जो रेड और गोल्ड में जरी का वर्क है, थ्रेड वर्क में फ्लावर्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा शाइनिंग भी है। और मुझे ये मटेरियल सिल्क ब्लेंड है, बट मुझे मटेरियल उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इस पर कुछ सिम नॉर्मल रेड साड़ी रेड ब्लाउज पहनूंगी मैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत गर्लिश लगेगी। सो ये भी बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छा लगा इसे पहनकर, बहुत ही हल्का पुल्का है, लाइक वो अगर आप बहुत हीवी पहनना चाहते हैं कांजीवरम उस टाइप की साड़ी आपको पहनना कैरी कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर है, बट अगर आप कुछ गर्लिश काइंड ऑफ बहुत ही हल्का पुल्का पहनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। तो दोनों साड़ी अपने जगह पर बहुत सुंदर है। सेम जो चोकर मैंने पहना है जो मीशो से लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बैंगल्स रेड डाले हैं, दुर्गा पूजा के लिए परफेक्ट है, करवा चौथ के लिए परफेक्ट है, इस तरीके से आप हल्के फुल्के साड़ी पहन के भी रेडी हो सकते हैं जो बहुत सुंदर लगने वाली है। सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं। That's it for today's video, guys. I hope आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर देना, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कॉमेंट में बताना कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइस।